राजस्थान में कोरोना काल के दौरान बिगड़ी स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइंस जारी कर 10 जून यानी कि कल से 50% कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय और रोडवेज बसों का संचालन सहित कई सारी छूट प्रदान की है। इसी कड़ी में रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने से पहले बीकानेर में बसों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू हो गया है। रोडवेज बसों के साथ साथ बस स्टैंड पर भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी भी बसों के सार संभाल में जुट गए हैं ताकि बस चलने के बाद कोई खराबी या फिर संक्रमण फैलने का खतरा न हो। आपको बता दें, प्रदेश में बढ़ते कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर सभी रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन बंद कर दिया था, जिसके चलते पिछले करीब एक महीने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों का संचालन बंद था। लेकिन अब प्रदेश में कोरोना केसेस कम होने लगे हैं और इसी के साथ ही राजस्थान रोडवेज ने प्रदेश में 10 जून से बसों का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदरा ने बताया कि नई गाइडलाइंस के तहत कल यानी कि 10 जून से 50% बसों और 50% सवारियों के साथ संचालन को शुरू किया जाएगा। बसों के संचालन को लेकर रोडवेज बस डिपो सहित वर्कशॉप में 4 जून से ही बसों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य करने में रोडवेज कर्मचारी जुटे हुए हैं। आंधी और मिट्टी उड़ने के चलते धूल जम गई है, जिसके चलते बसों में साफ सफाई का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ बसों की भी की जा रही है। अभी लॉक काफ़ी समय से ये जो त्रिस्तरीय जो ये लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन के बाद में अभी 10 तारीख से जिस तरीके से सरकार की ये गाइडलाइन है कि 10 तारीख के बाद बसेस को है परिवहन से संबंधित ये चालू की जाएगी, तो उसी के क्रम में हमने आज से वर्कशॉप्स में 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारियों को बुलाया है और उसके साथ ही सभी जो भी हमारी बसेज हैं उनको स्टार्टिंग पोजिशन में की है ताकि किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामी ना रहे। और क्योंकि बसेस जो है वो काफ़ी समय से अंदर वर्कशॉप में खड़ी थी, तो उसकी सफाई भी और सैनिटाइजेशन उनका काम जो है वो प्रॉपर करवाया जा रहा है। और साथ ही जिस जो भी आज शाम तक या जो भी कोई गाइडलाइन सरकार की आती है उसी के क्रम में जो है उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाते हुए बसेस का वो संचालन किया जाएगा। हमें बीकानेर डिपो में हम 97 शेड्यूल्स ऑपरेट कर रहे थे, जिससे 45,000 किलोमीटर हम पर डे ऑपरेट कर रहे थे और साथ ही 15 लाख की रेवेन्यू हमारी पर डे की थी, तो उसके हिसाब से अभी 3 करोड़ से तो ऊपर ही नुकसान हो गया है। अभी तो कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं, क्योंकि हमारी पिछले महीने से पहले ही, मतलब लॉकडाउन से 20 दिन पहले से ही हमने अनुबंधित जो बसेस थी उनको बंद कर दिया था, बिकॉज वो 50% कैपेसिटी के साथ ही बसेस का संचालन करना था, तो उपरोक्त जो है वो यात्री भार भी पूर्ण तरीके से मिल नहीं रहा था और साथ ही रोडवेज को भी नुकसान हो रहा था, इस वजह से अनुबंधित वाहनों को रोक दिया गया था। तो अग्रिम जो भी हमारे हेड ऑफिस की गाइडलाइन रहेगी उसी के अनुसार बसेस का संचालन किया जाएगा। करीब एक महीने से बसों का संचालन बंद होने से आगार में हर रोज करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। वहीं कर्मचारियों के वेतन भत्ते सरकार द्वारा वहन किए जा रहे थे, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ। राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते करीब एक महीने से बंद की गई रोडवेज बसों के कारण राजस्थान सरकार को हर रोज करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से बसों का संचालन शुरू होगा तो इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी और साथ ही साथ आम जनता को भी सहूलियत मिलेगी। पंजाब की सिटी वी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।